नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें जहन्नम की याद आई तो बेख्तियार रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज की याद तुम्हें रुला रही है? बोली, मुझे जहन्नम की आग याद आई, बेख्तियार रोना आ गया। ये बताइए, क्या कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तीन मौके तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद ना रख सकेगा। एक वो जब इंसान के आमाल तोले जा रहे होंगे, हर एक को फिक्र होगी कि इसकी नेकियों का पल्ला हल्का रहता है या भारी। दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नाम आमाल हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताब जिंदगी। हर एक फिक्रमंद होगा कि इसका नाम आमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुल सिरात से गुजरना होगा और वो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का अहतमाम, 8 शादियां अंजाम पाई जिसमें एक गैर मुस्लिम जोड़ा भी शामिल है। पुलिस मुलाजमीन अक्सर ड्यूटी पर होते हैं लिहाजा वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे पाते, इनके लिए खुसूसी हेल्थ कैंप का अहतमाम किया गया, कमिश्नर पुलिस का बयान। आरपुर जमात इस्लामी की जानिब से ब्लड टेस्ट कैंप का अहतमाम, खून के टेस्ट के बाद इनके नाम अतिया दहिंदगान में शामिल किए गए, इस मौके पर इनके जज्बे की सताइश की गई। शहर के मोहल्लेजात साई नगर और संतोष नगर में पुलिस का कॉर्डन सर्च, तलाशी मुहिम अवाम के मुफाद में, गैर समाजी अनासिर की निशानदेही इसका अहम मकसद, अनजान अफराद से होशियार रहे, सीपी की तलखीन। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का अहतमाम, जुमला 8 जोड़े अजवाजी रिश्तों से मुंसलिक हुए जिनमें एक गैर मुस्लिम जोड़ा भी शामिल है। सदर सोसाइटी मौलाना एहसान अहमद ने खुतबे निकाह पढ़ा। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की और आखरीन को दुआएं और मुबारकबाद दी। इस साल आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जुमला 8 शादियां करवाई गई जिनमें से 7 मुस्लिम जोड़े थे और एक गैर मुस्लिम जोड़ा भी शामिल था। शादी के मौके पर हर नौबिहाता जोड़े को सोसाइटी की जानिब से पलंग, बिस्तर, दिगर साजो सामान, अलमारी, डिनर सेट और चांदी की पासे तोहफे भी दी गई और साथ ही 1000 अफराद की जियाफत का एहतमाम किया गया। इन इज्तिमाई शादियों की निगरानी सदर निजामबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी मौलाना एहसान अहमद ने की, जबकि इंतजाम में नायब सदर अनीस अहमद, जनरल सेक्रेटरी शेख चांद, ज्वाइंट सेक्रेटरी अफजल खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रियाज अहमद, मोहम्मद अमजद, शेख तजम्मुल खासिम के अलावा अराकीन एम ए रऊफ, मोहम्मद गौस, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद सलीम ने हिस्सा लिया और बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया। खाजी शौकत अली व दिगर खारी अल निका ने निका की कार्रवाई अंजाम दी, जबकि खुतबा निका सदर सोसाइटी मौलाना एहसान अहमद ने पढ़ा, जबकि मेहमानों में जिम्मेदार जमात इस्लामी अहमद अब्दुल अजीम, रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, अब्दुल कयूम NRI, अब्दुल मतीन जुबली के अलावा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीर, मोहम्मद सलीम, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद रियाज व दीगर शामिल थे। इस मौके पर सदर सोसाइटी मौलाना एहसान अहमद ने बताया कि हर साल गरीब और नादर खानदानों की लड़कियों की शादियों का एहतमाम किया जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से सोसाइटी इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करती आ रही है और शादी के मौके पर दुल्हनों को उनकी जरूरत के लिहाज से जहेज की शक्ल में घरेलू सामान भी फराहम किया जाता है ताकि नया जोड़ा आराम के साथ अपनी अजवाजी जिंदगी का आगाज कर सके। मौलाना एहसान अहमद ने कहा कि सोसाइटी अहले खैर हजरात के ताउन से इज्तिमाई शादियों के अलावा माहाना राशन किट्स की बाकायदा हर माह तकसीम का एहतमाम करती है और हर माह कई मुस्तहिक खानदानों को ये इमदाद बिला नाबा फराहम की जाती है। इसके अलावा गरीब खवातीन और दोशीजाओं को फनी तरबियत फराहम की जाती है।
इसके लिए सेंटर्स कायम किए गए हैं और अब तक कई खवातीन और दोशीजाएं इन सेंटरों से तरबियत हासिल करते हुए रोजगार से मरबूत हो चुकी है और खुशगवार जिंदगियां गुजार रही है। मां की हालत से तंगदस्ती का शिकार है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी ऐसे 110 घरानों में महाना राशन की तकसीम करती है, महाना राशन की तकसीम करती है। ये भी सिलसिला जो इलाकों की वजह से और आप तमाम हजरात जानते हैं कि वक्त हिंदुस्तान की मईशत की कमर टूट चुकी है। ऐसे हालात में भी जितना हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जनवरी से पाबंदी के साथ उसको भी अदा करने के लिए और सिलसिले को भी चलाने के लिए कोशिशें जारी है। आप हजरात दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को और आगे बढ़ाए। और सोसाइटी का एक सिलाई सेंटर भी चलता है, वो सेंटर डालने का मकसद हमारा ये था, ऐसी औरतें या हमारी ऐसी बहनें जो बेवा हो गई या जिनके शवर अपाहिज है, कुछ कर नहीं सकते किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, वो लोग परेशान हैं, तो हमने ये सोचा कि बजाय वो लोग खुद अपनी मेहनत अपने बलबूते पर अपने घर वालों की परवरिश कैसे करें। इस सिलसिले में हमने एक सिलाई सेंटर खोला और रोजगार की स्कीम चलाई। अल्लाह के फजल और करम से तकरीबन 5 साल तक वो हमारे लोग भाई बाबनता पहाड़ी लोगों पर उनकी मकान था वहाँ पर चलता रहा अल्लाह के फजल और करम से, और वहाँ से तकरीबन 60 से 70 ऐसी औरतें और ऐसी बच्चियाँ वहाँ से पूरा सिलाई सेंटर का काम सीख कर पाए हुई कि आज वो खुद अपने बच्चों की और अपने घर वालों की हिफाजत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो जहानाबाद की जानी मानी तंजीम समाजी तंजीम की जानी से पिछले 12 से 13 साल से जो है इससे बड़ी शादियों का एक बहुत बड़ा जो है इसी कारनामा अंजाम दे रहे हैं। यकीन मैं आज तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यकीन अगर एक काफ़ी तरीन कारनामा है इज्तमी शादियों का, क्योंकि आज इस मेहरानी दौर में बेचा इसराफ के दौर में जो शादियाँ हो रही हैं हमारी बड़ी अफसोस की बात है। उसमें जो है एक सारी कारनामा है जो अफसोस सीधी शादी शादियों का और इज्तमी शादियों का। और आज के तमाम इस महफिल की खास बात यह है कि जो है आज भाईचारगी और गंगा जमुना तेजी को जो है फरोग दिया गया है। अतिया दुनिया का सबसे अनमोल अतिया, इसके जरिए कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आरमूर जमात इस्लामी के कैंप से डॉक्टर अब्दुल अजीज का खिताब। इस कैंप में करीब 100 अफराद ने अतिया दहिंदगान की हैसियत से अपने नाम दर्ज करवाए। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से ब्लड टेस्ट कैंप का इत्तेमाम किया गया। इस कैंप में टेस्ट करवाने वालों के ग्रुप की निशानदेही करते हुए उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया है, ताकि मुस्तकबिल में किसी जरूरत पर उनके खून का अतिया किसी जरूरतमंद को पेश किया जा सके। इस सिलसिले में अमीर मुकाम आरमूर असलम बिन मोहसिन ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अतिया खून का अतिया होता है, जो इंसानी जिंदगियों को बचाने के काम आता है। लिहाजा इसका अतिया देने वाले तमाम अहबाब काबिल सताइश होते हैं और उनके जज्बा इंसानी को सलाम करना लाजमी होता है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के शोबे खिदमत खल्क के जेर एहतमाम मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं और आज इस कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल अजीज ने भी शिरकत की और अपने खुसूसी खिताब में बताया कि खून का अतिया किस कदर अनमोल होता है। उन्होंने कहा कि बाज दफा खून दस्तियाब न होने पर बहुत से लोग सिसक बिलक कर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगियों के लिए खून की एक मखसूस मकदार लाजमी होती है, इसमें कमी मौत का सबब बन जाती है। इसलिए जख्मियों और बिलखसूस तिलस्मिया के मरीजों को खून की शदीद जरूरत लाहक रहती है। इसलिए हर सेहतमंद शख्स साल में 2 या 3 मरतबा अपने खून का अतिया जरूर पेश करे। इससे न सिर्फ ये कि बेपनाह अजर सवाब मिलता है, बल्कि खून का अतिया देने से खून में तब्दीली होती है और इंसान के जिस्म में नया वो ताज़ा खून महज चंद घंटों में वापस तैयार हो जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। लिहाजा खून का अतिया देने में किसी खौफ या झिझक की कतई जरूरत नहीं रहती। इस प्रोग्राम के दौरान कई साल फिक्र नौजवानों ने अतिया दहिंदगान की हैसियत से अपना नाम रजिस्टर करवा लिया और उन तमाम पर मुश्तमिल एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया गया, जिसके जरिए इत्तला फराहम की जाएगी। इस मौके पर 100 से ज्यादा अफराद के नाम अतिया दहिंदगान की हैसियत से रजिस्टर किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान ने इस मौके पर अपने खिताब में अपने मुमकिन ताउन की पेशकश की।
प्रोग्राम का आगाज मोहम्मद वाजिद रुकन जमात की तिलावत कुरान हकीम से हुआ, जबकि मोहम्मद माजिद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मोहम्मद अब्दुल्ला, खालिद अहमद, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अहमद रिजवान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी। और ब्लड डोनर्स का ग्रुप बनाने के लिए प्रोग्राम जो रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुआ है। इसमें कई नौजवान हिस्सा लिए हैं और ये ब्लड टेस्ट के बाद जो ग्रुप बनाया जाएगा, हारमोन की सतह पे जो भी परेशान हाल मरीज़ है, ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खून की ज़रूरत है, सब ऐसे लोग ये हमारे ग्रुप से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये ग्रुप की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और इस ग्रुप के अंदर जो भी ब्लड डोनर्स हैं उनके नाम और फ़ोन नंबर दिए जाएंगे, वो लोग उनसे कांटेक्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ अपना जो खून है वो हासिल कर सकते हैं। तो जमात के प्रोग्राम में जनाब अब्दुल अजीज़ साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सारी तफसीलात रखी है। वो 70 से ज़्यादा लोगों ने जो है इसके अंदर टेस्ट करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 50 लोग जो है ब्लड डोनर तैयार हो चुके हैं और भी मजीद लोग जो है करवा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100 लोगों का ग्रुप जो है तैयार हो जाएगा, जो हारमोन की सतह के तमाम मुस्लिम वाले दीजिए, गैर मुस्लिम वाले दीजिए, उन तक फ़ायदा पहुँच सकता। ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, इन सब का टेस्ट होता है, सब नॉर्मल रहने पर ही हो जाता है। बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन और वजन का भी चेक किया जाता है। अगर कोई हजरत खून देने जा रहे हैं तो सिगरेट का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल ये कुछ घंटों के लिए बना और अच्छा सा पानी लें, नॉर्मल डाइट खाना खाएं, पानी लें जाकर। अगर रिलेटिव है तो सुबह में देना है तो रात में से अच्छे से नींद पूरी कर लें, सुबह जाके दे सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो किसी भी वक्त जाके दे सकते हैं। शहर के इलाके साईनगर और संतोष नगर में पुलिस का कॉर्डन सर्च, सीपी के क्यादत में पुलिस ने जबरदस्त मुहिम चलाई। तलाशी के दौरान दस्तावेजात की अदम मौजूदगी पर 35 मोटरसाइकिलों, 5 ऑटोस और 4 कारों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। शहर के फिफ्थ टाउन के करीबी इलाके साईनगर संतोष नगर कॉलोनी में कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर कॉर्डन सर्च प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस जवानों की जानिब से घर घर तलाशी ली गयी। दस्तावेजात की अदम मौजूदगी पर 35 मोटरसाइकिल, 5 ऑटो और 4 कारों को जब्त कर लिया गया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई मुश्तबा अफराद नजर आए तो उसकी पुलिस को इत्तला दे और नए अफराद को घर किराए पर देने से पहले उन अफराद की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड हासिल करें। उन्होंने इंतबाह दिया कि नशेली अशिया फरोख्त करने वाले अफराद पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा कि अमन व अमान की बरकरारी के लिए और एकजहती की फिजा को कायम रखने के लिए ये कॉर्डन सर्च प्रोग्राम किया गया है और पुलिस की तमाम तर कोशिश समाज में गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा है। इस प्रोग्राम में निजामाबाद ACP वेंकटेश्वर, ट्रैफिक ACP प्रभाकर राव, CI, RI व दीगर पुलिस जवान मौजूद थे। 90% to 95% जो है अच्छा काम करते, सोसाइटी का भी बेनिफिट होता, वो भी थोड़ा देखना। नेगेटिव न्यूज ज्यादा हाईलाइट होता है, करेक्ट है? नहीं है, एक आदमी 4 अच्छे काम करेगा नहीं आता न्यूज में, एक छोटा गलती कर ले न्यूज में आता है। बेटा रोज टाइम पे आता है, बाप को नहीं देखता, एक दिन लेट आता है 12 बजे, उस दिन जूता पड़ सा सही है नहीं? यूथ एग्री करेंगे, सही है सर। जो जो लेट आ रहे वो बोल रहे सही है। आपके पापा से पूछेंगे बात, ठीक है? ओके, सो यानी माटने की चाला ఉన్నా ఇష్యూ చాలా ఉన్నా, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेक्शन। ఎప్పుడైనా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున వి ఆల్వేస్ ట్రై టు గివ్ యు ఎ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్। परसों एक लास्ट इंसिडेंट बताऊंगा, एक लड़का है मेरे पास, कंप्लेंट आया, बॉडी बिल्डर तो केस में नाम पड़ा, ऐसा कुछ पड़ा। उसको 20 मिनट समझाया मैं, बोला आज तो चोर के जैसा खड़ा है। बोलता सर मैं नहीं किया, नहीं नहीं चेले दू ना मेरा कुछ वायरल ग्रुप उन्होंने नाम केस पड़ेंगे अट्ला। मैंने कहा तू चोर के जैसा खड़ा है, इतना अच्छा बॉडी बिल्डर है जॉन अब्राहम के जैसा। मैंने कहा यही तू अच्छे काम के लिए आता, मैं तेरे को सर्टिफिकेट देता और मेरे को प्राइड फील होता, हमारे निजामाबाद का लड़का नेशनल लेवल, स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन जीत के गया, करेक्ट है? नहीं सर्टिफिकेट देके आज मैं तुम्हारे को गाली निकाल रहा हूँ।
निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन का चाको चौबंद और सेहतमंद रहना लाजमी है। पुलिस मुलाजमीन मुसलसिल ड्यूटी पर होते हैं और सेहत पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से अक्सर मुख्तलिफ अमराज का शिकार बन जाते हैं। निजामाबाद जिले के पुलिस हेडक्वार्टर में महकमा पुलिस की क्यादत में फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकया ने कहा कि पुलिस अमले का सेहत से मुतालिक आगाह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर वक्त ड्यूटी पर होते हैं और अपनी सेहत को नजरअंदाज करने की वजह से कई तरह के अमराज का शिकार होते हैं। मुलाजमीन को चाहिए कि वो सेहत को बरकरार रखें और कहा कि मौजूदा हालात में बीमारियां जंगल की आग की तरह फैल रही है। इन बीमारियों को रोकने के लिए सेहत के अद्वियात का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बाद अजां तमाम के बीपी, शुगर, खून की जाँच, आँखों का मुआयना व दीगर चेकअप किए गए। ये कैंप सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। इस प्रोग्राम में कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकया के अलावा पुलिस के आला अहदेदार मौजूद थे। आर्म रिजर्व हेडक्वार्टर निजामाबाद कमिश्नरेट लो उदयम 10 गंटल नीचे मेडिकल हेल्थ कैंप एर्पाटु चेयडम जरिगिंदि। मुख्यमैन दींट्लो 4 मेडिकल 4 हास्पिटल नीचे 7 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ई रोज रावडम जरिगिंदि। दींट्लो प्रतिभा सूपर स्पेशल हास्पिटल नीचे डॉक्टर मोतीलाल जनरल सर्जन, डॉक्टर प्रतिभा गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर रघुराम गारु फिजिशियन, डॉक्टर चरण कार्डियोलॉजिस्ट, शिवाश्री डेंटल हॉस्पिटल नीचे डॉक्टर संभशिवराव, नेत्रालयम आई हॉस्पिटल नीचे डॉक्टर सुनीशा, यशोदा हॉस्पिटल नीचे डॉक्टर राजेश बल्लम ऑन्कोलॉजिस्ट एंड वीर साई तिरुमलराव डॉक्टर ऑर्थोपेडिकल एक्सपर्ट रावण जरिगिंदी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉक्टर आकुला विशाल फ्रॉम अवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैज टेकन अ स्पेशल सेशन ऑन डी एडिक्शन एंड गुड हैबिट्स एंड हेल्थ टिप्स గురించి ఒక సెషన్ తీసుకోవడం జరిగింది। सो दिस इज ऑल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अवर यूनिट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तरला एंड गाइडेड बाय अवर एडिशनल डीसीपी गिरिराज गारु एंड एडिशनल डीसीपी उषा गारु। कुर्नापल्ली दरगाह के इंतजाम वक्फ बोर्ड ने अपनी तहवील में ले लिए। पुलिस के ताउन से इंस्पेक्टर वक्फ मोहम्मद साजिद ने कब्जा हासिल कर लिया और कहा कि अगले अहकाम तक इंतजाम वक्फ बोर्ड के जुम्मे ही रहेंगे। वक्फ बोर्ड ने एड़पल्ली मंडल के मौजा कुर्नापल्ली में वाकई मशहूर दरगाह को अपनी तहवील में ले लिया। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद ने बताया कि सीईओ की हिदायत पर आज उन्होंने जिला एडिशनल कलेक्टर के ताउन से और पुलिस महकमे की मुकम्मल मदद व हिमायत के साथ इस दरगाह के इंतजाम अपने जुम्मे ले लिए हैं। उन्होंने बताया कि कुर्नापल्ली की ये दरगाह सैयद हबीबुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर व मारूफ दरगाह है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जायरीन व अकीदत मनाते हैं और मन्नतें करते हैं और मुरादे पाते हैं। यहाँ पर मुजावरों के दरमियान तनाजा जारी थे और 3 अलग अलग ग्रुप सरगर्म थे। इन ग्रुप ने इंतजाम को लेकर एतराज किए थे और सागर मुतवली की मियाद खत्म होने पर उनके कब्जे से इंतजाम को वापस लेने का मुतालबा किया गया था। इस दरगाह के इंतजाम को बेहतर बनाने और वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे की गर्ज से वक्फ बोर्ड ने इस दरगाह के इंतजाम को राज अपनी निगरानी में लेने का फैसला लिया और वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद को फौरी इंतजाम हाथ में लेने के तहरीरी अहकाम जारी किए, जिस पर वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर से रुजू होकर मदद की दरख्वास्त की और एडिशनल कलेक्टर की हिदायत पर पुलिस ने ताउन फ्राहम किया और इस तरह इंतजाम वक्फ बोर्ड को खामोशी से मुंतकिल कर दिए गए। इस मौके पर कुर्नापल्ली सरपंच सावित्री रविंदर गौर व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद साजिद ने बताया कि दोनों ग्रुप्स में तनाजात की एक्सरी और किसी एक ग्रुप को मुतवाली नामजद किए जाने तक इंतजाम वक्फ बोर्ड की तहवील में रहेंगे। मैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब और वक्फ बोर्ड सीईओ साहब शानाज खासिम साहब आईपीएस आईजी की हिदायत पे इंस्ट्रक्शन पे उनके ऑफिस आर्डर पे ये सो इस दरगाह शरीफ को जो यहाँ पे जो जैन मुतवाली तीनों के थे उन लोगों का पीरियड ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट मैनेजमेंट लेने का ऑर्डर हुए और हमारे वक्फ बोर्ड के आईआर अथॉरिटी चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब और सीईओ साहब की हिदायत पे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे जो है पुलिस डिपार्टमेंट और आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ रही पुलिस अथॉरिटीज़ और सब यानी और यहाँ पे शाम के 6 बजे 26 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दरगाह शरीफ को मैं अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने में हमारे वक्फ बोर्ड सीईओ साहब की बार बार हिदायत पे मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे
कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद से हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब चंद्रशेखर साहब साहब का काफ़ी कॉपरेशन रहा और उन्होंने पुलिस अथॉरिटीज़ जैसे इसमें कमिश्नर साहब भी ताउन किए, ACP साहब बोधन और हमारे CI साहब बोधन रूरल का भी बहुत कॉपरेशन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वक्फ़ की जानिब से हम डायरेक्ट में दरगाह लिए हैं और यहाँ पे ज़ायरीन को कोई तकलीफ नहीं है। वैसा वक्फ़ की जानिब से मैं दरगाह वक्फ़ इंस्पेक्टर दरगाह इंचार्ज इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके ज़ायरीन को कोई तकलीफ नहीं है। वैसा नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटा सा वक्फ़ा। गुंजार मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है, फ्लावर हॉस्पिटल नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोवर रहमान MBBS MS डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन लैब, फार्मेसी, एक्सरे दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीति भी आला से लेस आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिकर नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्द ख्वातीन और बच्चों की जरूरत का हर सामान हमारे पास दस्तियाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। MGmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली अरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निज़ामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मिड डे मील्स के लिए स्कूलों को सरबराह किए जाने वाले चावल में कीड़ों की शिकायत। एयरपल ZP हाई स्कूल के तलबा ने बताया कि काफी अरसे से खराब चावल सरबराह किए जा रहे हैं, इसलिए वो घरों से टिफिन लाकर खा रहे हैं। एयरपल मंडल के सरकारी हाई स्कूल में मिड डे मील स्कीम के तहत तलबा को दिया जाने वाला खाना नाकस होने की वजह से तलबा शदीद परेशानियों का शिकार है। स्कूली तलबा ने कहा कि खाने में कीड़े आ रहे हैं। इससे कबल भी स्कूल के प्रिंसिपल को इस बात से वाकिफ करवाया गया, मगर प्रिंसिपल ने नजरअंदाज कर दिया और तलबा को खामोश रहने की हिदायत दी। मगर हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और तलबा नाकस चावल की वजह से दोपहर के खाने से महरूम हो रहे हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से ZP हाई स्कूल एयरपली को जो चावल मिड डे मील्स के लिए सरबराह किए जा रहे हैं, इनमें बड़ी तादाद में कीड़े पाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जानबूझकर स्कूलों को नाकिस व खराब चावल सरबराह किया जा रहा है। तलबा की शिकायत के बाद हमारे लोकल TV के नुमाइंदे ने इस स्कूल का दौरा किया और एजेंसी के मालिक और तलबा से गुफ्तगू की और साथ ही एयरपल्ली के मुकामी अफराद से भी गुफ्तगू की। तलबा ने संगीन इल्जाम आयद किया कि कई माह से कीड़े वाले खराब चावल सरबराह किए जा रहे हैं, लिहाजा बहुत से तलबा अपने मकानों से टिफिन लेकर आए हैं और जो तलबा स्कूल में खाना खा रहे हैं अक्सर उनकी तबीयत खराब हो रही है। स्कूल प्रिंसिपल साइडू से इस सिलसिले में सवाल करने पर उन्होंने बताया कि
महकमा सिविल सप्लाई की जानिब से ही कीड़े वाले चावल सरबराह हो रहे और वो इस मामले में कुछ भी करने से कासिर है। इस सिलसिले में हुकाम से की गई शिकायतें भी बेसुध साबित थी। इस मौके पर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि यहां पर तलबा की तादाद ज्यादा है मगर चावल कम मकदार में सरबराह किए जा रहे हैं। क्लास इंग्लिश मीडियम बी सेक्शन आचार्य कृष्णा नाऊर इधे सर एडपल्ली मंडलम मैं मानव टीडे पुरुल तेलेट वस्तना सर बंडल बंडल वस्तनाई मंजी राकना सर मई नेम इज वाई शशिवर्धन ई एम स्टार्टिंग टू एथ इंग्लिश मीडियम सेक्शन बी सेक्शन मंडल एडपल्ली ई एम स्टार्टिंग स्कूल जेडपीएचएस हाई स्कूल ई एम ईटिंग द फुड अन्न पुर्गल वस्तना सर एम आर्ओ सर मंजी फुड पंपी सार चेते पट्टुकटे को रोजल तीन रही मल्ला रातरु सर मेरे मेरे प्लीज प्लीज मंच बिह्य पंपी सर बलवंत बिह्य पुर्गल अन्न तमंटार सर मैं अच्छे बाध्यता वो सर दयचे मल्ला मंच बिह्य पंपी मेद सारे अंदर की अंदर की नमस्कार मैं मेम रोजुक अरवे डेबई कि हंड्रेड अंदा ये मरी मरी नलप कि वे नागरू रोजल नीचे बिह्य प्रभाव वाला बिह्य पिन्नीस पेनल नूकल सगम बिह्य सगम नूकल सचिला मरी ने नागल याब मंदल मंद क्या संख्य पी रही रेल मंद की वे इंत रे मूड सारे मैं हम सारे मरी सार ना पुर्गस्ते चाटे दी सार इला पुर्ग बिह्यमन से पक्क दिना उन्नाई ये ना इंट पिले ईद पिल कड़पो पुटने पिले वाले तीन बैठी नीन इंटी सागनपिंदाक स्कूल के अभी ना बाध्यता उ मैं ने कष्टपूर इलादाकन सार सैलैंट उ मैं ने सैलैंट उ అది అర్థం కాక నేను ఇప్పుడు ఎమరావు ఆఫీస్కి వెళ్తాను అనుకున్నా ఎమరావు సార్కి చెప్పేసేస్తా అని అనుకున్నా కాకపోతే మీరు వచ్చేసిండ్రు సార్ మీ దాకా వచ్చింది మీరు దయచేసి ఏది ఇచ్చేసారో చేయండి మాకైతే కిచెన్ సెట్ లేదు హల్దీకి మునాసిబ్ నిగహదాష్ లాజ్మీ హై జరా సి అదమ్ తవజ్జుహ్ హల్దీకో ఖరాబ్ కర్ సక్తీ హై ఔర్ ఉస్మే కీడే పడ్ సక్తే హై ముక్కల్ మే కేసాన్ షౌర్బేదారీ ప్రోగ్రామ్ సే ఓహదేదారోం కా ఖితాబ్ शेख साहिब मुक्काल फार्मर्स प्रोड्यूस एसोसिएशन ने मुक्काल मंडल के गोरेरी कमेटी सेंटर में हल्दी की काश से मुतालिक किसानों के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर महिंदर ने कहा कि हल्दी की कटाई और कटाई के बाद की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात फ्राहम की। बाद अज़ा जोनल एजुकेशन ऑफिसर रोहित ने कहा कि हल्दी फसल पर एहतियात की जरूरत है, फसल पर कीड़ा लगने का खदशा होता है, इसलिए किसान लापरवाही ना बरते। उन्होंने कहा कि हल्दी की फसल को खुश करते वक्त ही एहतियाती इकदाम किए जाने लाजमी होते हैं। अक्सर किसान इस मामले में बेएहतियाती करते हैं जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लिहाजा महकमा ज़राअत और दिगर मुतालिका महकमाजात की जानिब से फसलों के तहफ्फुज़ और नशोनुमा के लिए दी जाने वाली हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। रियासती हुकूमत सारंगपुर शुगर फैक्ट्री का दोबारा आगाज करे, कई गन्ने के किसान और मजदूर बेरोजगारी का शिकार है। आकुला पापैया का बयान, उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ 100 दिन में फैक्ट्री के आगाज का वादा फरामोश कर दिया। गन्ने के काश्तकारों के एसोसिएशन के जेर एहतमाम शहर के आरएनडी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गयी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के जिला कन्वीनर आकुला पापैया ने कहा की हुकूमत सारंगपुर फैक्ट्री का दोबारा आगाज करे और गन्ने के काश्तकारों के मसाइल हल करें। जिले में किसान गन्ने की काश्त करने के लिए तैयार है और कहा कि सारंगपुर फैक्ट्री खुलने से हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा और टीआरएस हुकूमत ने इख्तदार में आने पर 100 दिन के अंदर फैक्ट्री खुलने का वादा किया था मगर उन वादों को बर्फदान की नजर कर दिया गया। हुकूमत इख्तदार में आकर 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उन वादों पर अमल करते हुए काश्तकारों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काश्तकारों के एसोसिएशन के कायदीन सिरपुर गंगारेड्डी वेलपुर भूमैया साई व दिगर मौजूद थे। ईरोजु राष्ट्र प्रभुत्वम वरी पंटनु पंडियोद्दा अनि चेप्पेसि चेप्तुंदि, वरी वल्ल मनकु केंद्र प्रभुत्वम कोनडं लेदु, इप्पुडु अंदरू वरी कोवद्दु इंको वेरे पंटलकु कोम्मनि चेप्तुंदि। वेरे पंटलकु कोदाम अनुकुंटे पొద్దుతిరుగుడు पुव्वु उंदि, ఒక్క విత్తనం ఈ రోజు మన జిల్లాలో దొరకడానికి వీల్లేదు, ఒక 4-5 క్వింటాల్ వచ్చింది, ఆ క్వింటాల్ అదిపోయింది। మరి ఇంకొక వేరే నువ్వుకు గిట్టుబాటు వచ్చేటట్లేదు, ఎందుకంటే
ఈ ట్రాక్టర్లు తొక్కి ఇవన్నీ చేసిన దానిలో దాన్ని పంట వేసడానికి కష్టమవుతుంది. శనగ వేసేదాన్ని కూడా సాధ్యమవుతలేదు. మరి ఇంకొక పంట ఆయిల్ సీడ్స్ వేయండి అని అంటుంటారు. కొన్ని భూములు మాత్రమే దానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే నిజామాబాదు బోధనకు సంబంధించిన రైతులందరూ కూడా వరి చెరుకు పండించడం అనేది అలవాటు ఉంది. ఊరి లాంటిది వరి పండించద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనా అంటుంది కాబట్టి మనం పండించలేము. కాబట్టి వరి బదులు ఇంకేదన్నా ప్రత్యమే పంటల మీద దృష్టి పెట్టండి. కాబట్టి ఆయిల్ పంటలు వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆయిల్ పంటలు పండాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ భూముల పరిస్థితులను కూడా అవగాహన చేసుకోవాలి. ఏది వేస్తే బాగుంటుంది, దానివల్ల ఏం ఉపయోగం అనేది కూడా చూడాలి. ఇప్పటిదాకా పంటలు మనం పండించేసి సోయాబీన్ పండించి లాస్ అయిపోయారు. కాబట్టి ఇప్పుడు చెరుకే ప్రధానము పంటకు, వరికి బదులు చెరుకే. ఈ చెరుకు పండించేటప్పుడు కూడా రైతులు చాలా లాభపడ్డారు. మేమంతా వ్యవసాయం చేస్తుంటాము, చెరుకే పండించినాము. అప్పుడు మా పెళ్ళిళ్ళు కూడా అన్ని చెరుకు పండించిన పంటలతోనే చేతిలో డబ్బులు ఉండే. రియాసతి హుకుమత్ కిసానో కే మఫాదాత్ పర్ జర్బ్ లగా రహీ హై ఔర్ మర్కజీ హుకుమత్ కో బద్నామ్ కర్నే కీ సాజిష్ కర్ రహీ హై. హుకుమత్ ధాన్ కీ ఖరీదీ కే మరాకిజ్ మే ఇజాఫా కరే ఔర్ ఖరీదీ మే తేజ్ రఫ్తారీ లాయే. బాల్కొండా బీజేపీ ఖైర్ ఆర్ రాజేశ్వర్ కా బయాన్. निजामाबाद जिला मौजा परकल में बालकुंडा हल्के के बीजेपी इंचार्ज आर राजेश्वर ने किसानों की हिमायत में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया. इस प्रोग्राम में राजेश्वर ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को गुमराह कर रही है और धान की खरीदारी में ताखीर कर रही है. रियासती हुकूमत की लापरवाही के रवैये की हम सख्त मजम्मत करते हैं क्योंकि खरीफ सीजन खत्म हो चुका है, रबी सीजन का आगाज होने वाला है. ऐसे में किसानों को परेशान करना मुनासिब नहीं है और कहा कि मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी के लिए तैयार है मगर अभी तक रियासती हुकूमत ने धान की खरीदारी मुकम्मल नहीं की है. उन्होंने जल्द से जल्द किसानों के धान की खरीदी के लिए मजीद मराकज कायम करने का मुतालबा किया. इस प्रोग्राम में मंडल जनरल सेक्रेटरी शेट्टी बाबू, जिला वर्किंग कमेटी के मेम्बरान राजा प्रभाकर व दीगर मौजूद थे. धान्यम कुनुगमन चेप्पेसि राष्ट्र प्रभुत्वानि केंद्र प्रभुत्व आर्जिस्ते इप्पटि वरकु कूडा దాదాపు ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై 2 నెలల దగ్గరికి వస్తుంది. ఇప్పటికీ ఇంకా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరి ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో పూర్తి స్థాయిలో జాప్యం చేస్తూ రైతులందరినీ కూడా పక్కదారి పట్టించేటట్టు ఈ రబీ సీజన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వడ్లు కొంటుందా కొనదా అని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రశ్నిస్తారు. వీరి యొక్క ధ్యాస అంతా కూడా ఈ రైస్ మిల్లర్ల యొక్క వాళ్ళ వ్యాపారం పైన తప్ప రైతులపైన లేదు. రైతులందరూ రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఇంకొక తుఫాన్ లేచిందని వార్త విన్న తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆల్రెడీ మొన్నటి తుఫాన్కే చాలా వరి ధాన్యం తడిసిపోయి మొత్తము అక్కడక్కడ మొలకలు వచ్చినాయి, కొన్ని ప్రదేశంలో మొత్తం పనికి రాకుండా అయిపోయినాయి. దీనికి అంతటి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి. కేంద్ర ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో ధాన్యం కొనుగోలు చేయడాని కోసము సిద్ధంగా ఉన్నా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి సేకరించి కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపించడంలో తీవ్ర జాప్యం చేస్తుంది. కాబట్టి మెడరా కే మౌజె బుసాపూర్ కే స్కూల్ మే తల్బా కే లియే ముఫ్త్ హెల్త్ క్యాంప్ కా ఎహ్తిమామ్. ఆర్బీఎస్కే కి జానిబ్ సే ఇస్ క్యాంప్ కా ఎహ్తిమామ్ కియా గయా. జిమ్మేదార్ నే బతాయా కే మజీద్ స్కూలో కా భీ అహాతా కియా జాయేగా ఔర్ తల్బా కి సెహత్ కి జాంచ్ కి జాయేగీ. मेडरा मंडल मौजा बुस्सापुर में आरबीएसके ज़ेरे इहतिमाम प्राइमरी हाई स्कूल में तलबा का हेल्थ चेकअप प्रोग्राम लगाया गया. इस प्रोग्राम में आरबीएसके हेल्थ टीम के डॉक्टर सूर्य नारायण ने तलबा के 32 किस्म के टेस्ट किए. बाद उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों के तलबा का हेल्थ चेकअप किया जाएगा. यह टेस्ट तमाम तलबा के लिए मुफ्त होगा. इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल और असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया. इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल, असातिज़ा, एएनएमए और फार्मासिस्ट व दीगर मौजूद थे. डॉक्टर सूर्य नारायण ने इस मौके पर तलबा को तलकीन की कि वो अपनी सेहत को लेकर चौकन्ना रहे और हमेशा साफ सुथरे माहौल में रहने की कोशिश करे. मामूली शिकायतों पर फौरी डॉक्टर से रुजू होकर इलाज करवाए, वरना मामूली सी गफलत बाज वक्त किसी बड़े मर्ज की शुरुआत का सबब बन जाती है. मगर सफाई आधे अमराज के खात्मे का सबब होती है. निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का अहतमाम. 8 शादियां अंजाम पाई जिसमें एक गैर मुस्लिम जोड़ा भी शामिल है. पुलिस मुलाजमीन अक्सर ड्यूटी पर होते हैं लिहाजा वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे पाते. इनके लिए खुसूसी हेल्थ कैंप का अहतमाम किया गया. कमिश्नर पुलिस का बयान.
इस्लामी की जानिब से ब्लड टेस्ट कैंप का एहतमाम। खून के टेस्ट के बाद इनके नाम अतिया दहिंदगान में शामिल किए गए। इस मौके पर इनके जज्बे की सताइश की गई। शहर के मोहल्लेचाक साई नगर और संतोष नगर में पुलिस का कॉर्डन सर्च। तलाशी मुहिम अवाम के मुफाद में। गैर समाजी अनासिर की निशानदही, इसका अहम मकसद। अनजान अफराद से होशियार रहे, सीपी की तलखीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।